एक ऐसी भक्त जिसकी आप बीती सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। देवी देवताओं की बहुत पूजा पाठ करते थे और शाकुंभर माता भी गए, वैष्णो माता भी गए, बालाजी के वहाँ धाम पे भी गए, मेहंदीपुर खेड़ा भी पूजते थे, देवी पितर सब कुछ मानते थे। माता की पूजा व्रत करते करते टूट पड़ा घर पर कहर, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हुई कि घर भी बिक गया। जो नवरात्रे आते हैं उसमें मैंने जोत लगा रखी थी देवी की, तो मेरे को सपने में आके देवी ने कहा भाई मेरी सवा महीने की जोत चलाओ, तो मैंने सवा महीने की जोत चलाई। मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी जो मैं जोत चला सकती, क्योंकि वो देसी घी से चलती है, तो मैंने सवा महीने की जोत चला दी। फिर जोत 3 ही दिन हुई थी चलते को, मेरी बड़ी लड़की है उसकी अब मैंने शादी कर दी, वो पागल हो गई। उसी टेंशन में मेरे भगत जी का दिमाग चल गया, इनको भी टेंशन हो गई, मेरे भी मकान मकून बिक गया, इतनी स्थिति खराब होगी, मेरा कोई भी ऐसा साधन नहीं रहा भाई जो मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूँ। ब्रेस्ट कैंसर मैंने जो पैसा था वो तो लगा दिया इनके इलाज में, फिर मेरे को तो कहाँ दिखाना था, बस रोना जीखना घर में, बड़ी परेशानी होगी। खुद कैंसर से हुई पीड़ित, लेकिन एक दिन एक परम संत की शरण मिली, मानो रजनी को जीवन की एक नई उम्मीद मिली हो। फिर भी टूटे मन से जैसे तैसे पहुंच गई संत की शरण में। मैंने 6 महीने साधना चैनल पे गुरुजी रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, फिर कहने लगे भी जो चलो नाम ले लेंगे हम। मैं कहने लगी जो तेरे गुरुजी जिसकी तुम कह रहे भाई प्रशंसा कर रहे इतनी, जो तेरे गुरुजी मेरे को ठीक कर दे, मेरी कैंसर की बीमारी ठीक कर देंगे तो मैं नाम भी ले लूँगी। तो मैंने बोला ही था, मेरे को दर्द कम होने लग गया। उसके बाद आखिर क्या हुआ था रजनी के जीवन में जो उसका पूरा जीवन ही बदल गया? गुरुजी रामपाल जी महाराज देखे कहने लगे विश्वास नहीं है मखन्ना, मेरे को विश्वास नहीं है, कहने लगे भी जा तो टेस्ट करवा। मैंने फिर टेस्ट करवाने के लिए मैं गई, तो PGI में मेरा टेस्ट क्लियर आ गया भाई इसको कोई बीमारी नहीं है। तो मेरे को है ना कैंसर ठीक होने के बाद भी गुरु जी पे, मेरे रामपाल जी महाराज पे, परमात्मा पे मैंने ना यकीन नहीं किया। जब इंसान को थोड़े सुख हो जाते हैं ना तो वो परमात्मा को फिर भूल जाता है। क्या संत शरण से उनके दुख दूर हो पाए? क्या रजनी कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से अपनी जान बचा पाए? सुने पूरी आप बीती रजनी की जुबानी। क्या नाम है आपका? रजनी देवी। कहाँ से आए आप? गांव लवकरी जिला करनाल से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 26 जनवरी 2013 में। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज के साथ जुड़ने से पहले हम देवी देवताओं की बहुत पूजा पाठ करते थे और शाकुंभर माता भी गए, वैष्णो माता भी गए, बालाजी के वहाँ धाम पे भी गए, मेहंदीपुर खेड़ा भी पूजते थे, देवी पितर सब कुछ मानते थे। जो पूजा आपने की उन पूजाओं को करने से आपको क्या लाभ मिले? जी कुछ लाभ तो मिला नहीं और ज़्यादा स्थिति खराब होगी। जो नवरात्रे आते हैं उसमें मैंने जोत लगा रखी थी देवी की, तो मेरे को सपने में आके देवी ने कहा भाई मेरी सवा महीने की जोत चलाओ, तो मैंने सवा महीने की जोत चलाई। मेरे घर की स्थिति ऐसी नहीं थी जो मैं जोत चला सकती, क्योंकि वो देसी घी से चलती है, तो मैंने सवा महीने की जोत चला दी। फिर जोत 3 ही दिन हुई थी चलती को, मेरी बड़ी लड़की है उसकी अब मैंने शादी कर दी, वो पागल हो गई, उसके दिमाग चल गया और वो अपने आप ही कहने लगी मैं काली हूँ, मैं काली हूँ, मेरे को 5 सुपारी दो, ऐसा ऐसा स्थिति होगी। हम चाहे तो नवरात्रे के बरती रहना शौक से रहते थे, फिर टेंशन होगी बहुत ज़्यादा, जिसका बच्चा बड़ा और वो माँ बाप बहुत घबरा जाता है ना, तो इसीलिए मेरे को बड़ी टेंशन हुई। मैं उसको है ना
हमारे पास में गांव है, वहाँ लेके गई, वहाँ पर पूछा, वो चौकी लगती थी वहाँ पर, तो उसने कहा नौ चौकी आना पड़ेगा, मैं नौ चौकी ही लेके गई। फिर भी मेरी लड़की ऐसे ही पागलों की तरह करती थी। मैंने उसी टेंशन में, मेरे भगत जी का दिमाग चल गया, इनको भी टेंशन होगी, मेरे भी मकान मकून बिक गया, इतनी स्थिति खराब होगी, मेरा कोई भी ऐसा साधन नहीं रहा भाई जो मैं अपने बच्चे का इलाज करवा सकूं। फिर मैंने ना अपने घर फोन किया, घर वाला भी कोई नहीं आया, जो भी रिश्तेदार थे, देवर जेठ थे, कोई किसी का साथ नहीं दे सकता था। तो मैंने सोचा भाई चल घर बिक जाएंगे और क्या होगा, फिर बच्चा है या फिर अपने घर वाला है, उसको तो बचाना पड़ेगा। मैंने अपने घर बेच के अपनी स्थिति देखी, भाई मेरी और तो कोई ब्योत नहीं है, मैंने इनका इलाज शुरू किया, लड़की को थोड़ा सा आराम होया, फिर इनकी स्थिति भी थोड़ी कंट्रोल में हुई, फिर मेरे को कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर। मैंने जो पैसा था वो तो लगा दिया इनके इलाज में, फिर मेरे को तो कहाँ दिखाना था, बस रोना जीखना घर में, बड़ी परेशानी होगी। यहाँ करनाल लेके जाते थे मेरे को भगत जी, उसने कहा टैगोर हॉस्पिटल है वहाँ करनाल में, सरकारी में भी दिखाया, कहीं भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इसको तो ब्रेस्ट कैंसर है, तो टैगोर वाले हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर हैं उन्होंने 35-35, 40-40 हज़ार का एक एक टिक्का लगवाया। मेरे को स्थिति में राम ही नहीं हुआ, शरीर में ऐसा हो गया कि मैं खाट पे थे उठने के काबिल ही नहीं रही, तो उन्होंने फिर मेरे को चंडीगढ़ रेफर कर दिया। चंडीगढ़ जाके मेरे को 2-3 दिन तो वैसे ही बेड नहीं मिला, रूम नहीं मिला, धक्के खाने वाली बात हो गई। फिर मैंने वहाँ रूम भी मिल गया तो फिर उन्होंने कह दिया कि इतना पैसा लगेगा, मेरी इतनी स्थिति नहीं थी घर की, मैं कहाँ थे पैसा लगा दी। फिर भी मैंने कह दिया दवाई लिख दो आप, हम वहीं खा लेंगे। उन्होंने कहा अभी इलाज तो यहीं से चलेगा। मेरी जो टेस्ट और वो रिपोर्टें थी करवाई, बहुत पैसा लगा, फिर हम करवा के घर आ गए, मेरी दवाई खाने की भी स्थिति नहीं थी। आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारी थी, आपको कैंसर जैसी बीमारी से कैसे राहत मिली, उस बीमारी से कैसे निजात मिली? इन्होंने गुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, इन्होंने मेरे को कहा भाई एक संत ऐसे हैं तत्वदर्शी हैं जो वो तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा, तेरी बीमारी जो है वो खत्म हो जाएगी। मेरा तो विश्वास ही उठ गया था, परमात्मा नाम की चीज है ही नहीं जमीन पर, जिसका मान लो इतनी स्थिति खराब होगी, ना रहने के लिए मकान है ना कुछ है, तो वो किस चीज पे विश्वास करेगा, उसका किसी चीज पे विश्वास नहीं होता। मैं बोली ऐसे ऐसे गुरु तो बहुत हैं, इन्होंने पहले नाम दीक्षा ले रखी थी सीताराम जी महाराज पे, तो ये कहने लगे चलो वो गुरु जो सीताराम जी महाराज है उनका ही देख लो, उसकी वो करके भी भक्ति करो। मैं बोली मैं तो किसी की भक्ति नहीं कर दी, ना मैंने किसी पे यकीन हुआ, जो परमात्मा उनदे जमी पे, तो हम इतने परेशान नहीं हुए थे। ये कहने लगे भाई तू सत्संग तो सुना करो। मैंने 6 महीने साधना चैनल पे गुरु जी रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, फिर कहने लगे भी जो चलो नाम ले लेंगे हम। मैं कहने लगी जो तेरे गुरु जी जिसकी तुम कह रहे भाई प्रशंसा कर रहे इतनी, जो तेरे गुरु जी मेरे को ठीक कर दे, मेरी कैंसर की बीमारी ठीक कर देंगे तो मैं नाम भी ले लूंगी। तो मैंने बोला ही था, मेरे को दर्द कम होने लग गया। पहले मैं ऐसे हाथ लगा के रखती थी, बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो मेरे को आराम होने लग गया, मेरा थोड़ा सा स्थिति ठीक हुई। ये कहने लगे चलो बरवाड़ा चलते हैं, मैं अपने बच्चों को लेके और इनके साथ बरवाड़ा चली गई भगत जियों के साथ। वहाँ जाने के बाद भी मेरे को यकीन नहीं हुआ, मैंने वहाँ पूछा भी मेरे को नाम लेना है, जो सेवादार थे उन्होंने कहा भी आप पहले नियम पढ़ो, नियम पढ़ने के बाद नाम लेना, ऐसा नहीं होता भाई नियम देखो नहीं और नाम ले लो फिर तुम छोड़ दोगे। मैं कहने लगी मुखा क्या नियम है, कहने लगे कोई भी देवी देवता नहीं धोखना है या कहीं तीर्थ धाम पे नहीं जाना, कोई व्रत नहीं करना। मैंने पूछा ओ ही का करवे का व्रत, कुछ नहीं करना है।
मैंने कहा अभी वैसे भी मरना ही है, चलो नाम लेके ही मर जाएंगे, शायद पूजा पाठ ये करे हैं उनका तो कोई फल मिला नहीं, शायद इस गुरुजिया के नाम थे रामपाल जिया के थे मारा मोक्ष हो सका। मैंने नाम ले लिया, विश्वास फिर भी नहीं जमा। शाम को जब गुरु जी हम शाम के टाइम पहुंचे थे सत्संग सुन के, फिर हमने आशीर्वाद लेने के लिए गए, गुरुजियों से रिक्वेस्ट करी, गुरुजी मेरे को है ना कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, और चंडीगढ़ भी गई मैं, करनाल भी, मैंने बड़ी दवाई खाई, शायद मैं ठीक हूँ या ना हूँ तो आप मेरे को क्लियर बता दो, मेरा इलाज है या ना है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो गुरुजी ने हंस के कहा ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती? मैं बोली मका जो गुरुजी ऐसी बीमारी नहीं होती तो आधी दुनिया नहीं मरती, तो ऐसी बीमारियां हैं जो कि इंसान बचता नहीं है, और मेरे को तो इन्हें विश्वास ही नहीं है किसी चीज पे भी। तो गुरुजी ने कहा मैंने तेरे सिर पे हाथ रख दिया है और तुम परमात्मा की शरण में आ गई तो ईब तेरे को इन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैं चुपचाप सुनकर, कुछ दुख भी था फिर मैंने हंसी भी आई थोड़ी। मैं बोली ये भी तुम्हारे जैसे इंसान है जो ये कह रहे कि तू परमात्मा की शरण में आएगी, ऐसा कौन सा परमात्मा होगा भाई, वो वहां नहीं था गांव में और यहाँ परमात्मा अलग है। तो रामपाल जी महाराज गुरु जी से मैं कहने लगी, मैं कहा गुरु जी ऐसा कौन सा परमात्मा जो यही है और गाँव में नहीं है? मैं ऐसा करना तेरे को जब विश्वास होगा तू दोबारा रिपोर्ट करवाएगी, टेस्ट करवाएगी, जाके पीजीआई में टेस्ट करवा लो दोबारा। तो मैंने कहा मका ठीक है, मैंने आके कोई रिपोर्ट नहीं करवाई, कोई टेस्ट नहीं करवाया, मेरे को 10 दिन बाद फिर दर्द होया। अपने घर वाले को बोला मेरे को कोई राम नहीं है, तो मेरे को वैसे बका के और रामपाल जी की शरण में ले गया, और उसके सत्संग सुने हैं जो भाई नाम लेकर छोड़ दें तो उसका ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, घर की स्थिति खराब हो जाए। तो गुरु जी के मेरे को सपने आने लग गए, गुरु जी रामपाल जी महाराज दिखे, कहने लगे विश्वास नहीं है मुखन्ना, मेरे को विश्वास नहीं है, कहने लगे भी जा तो टेस्ट करवा। मैंने फिर टेस्ट करवाने के लिए मैं गई तो पीजीआई में मेरा टेस्ट क्लियर आ गया, भाई इसको कोई बीमारी नहीं है। तो मेरे को है ना कैंसर ठीक होने के बाद भी गुरु जी पर, मेरे रामपाल जी महाराज पर, परमात्मा पर मैंने ना यकीन नहीं किया। जब इंसान को थोड़े सुख हो जाते हैं ना तो वो परमात्मा को फिर भूल जाता है। तो मेरे को थोड़ा सा शरीर में सुख हो गया, मैं फिर भूल गई, सुमरण करना छोड़ दिया। वैसे किसी को क्या पता भी नाम ले रखा है सुमरण कर रही है या ना कर रही है, नाम का तो हो गया, मोहर लग गई भाई रामपाल की चेली है ये, रामपाल जी महाराज गुरु है इसके, तो मैंने सुमरण करना छोड़ दिया। 4 महीने के बाद मेरे को वो रिसोड़ी होगी, तो रिसोड़ी होने के बाद मैं फिर मेरे को सतनाम मिलना था, मैं गई आश्रम में, मैंने कहा गुरुजी मेरे को है ना रिसोड़ी होगी और मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती। वो बोले भाई सुमरण करती हो? मैंने झूठ बोल दिया हाँ करती हूँ। तो बोले फिर ऑपरेशन भी करवा लो। मैं कह रहे सब कहे भी जितने सत्संग सुने या भगत होते मिले उन्होंने सब ने कहा भी सबसे बड़े तो डॉक्टर ही हैं, जब आप डॉक्टर हो तो मेरा ऑपरेशन क्यों करवाते हो? कहने लगा भी जब हाथ कटना हो ना और उंगली कटती हो तो उंगली कटवा लेनी चाहिए। मैंने कहा गुरु जी ऑपरेशन तो करवा लूंगी, आप मेरे पास रहना। तो मेरा मैं बोले हाँ मैं आपके पास रहूंगा। मैं बोली वचन दो मेरे को, ऐसे वैसे नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मेरे 7 साल मैंने कैंसर की पीड़ित थी मैं, और 7 साल मैंने अस्पतालों में काटी है जो मेरे को पता है। तो गुरुजी ने वादा करा मैं तेरे पास रहूंगा। मैं ऑपरेशन करवाने के लिए चली गई, रामपाल जी महाराज इतने मेरा प्रेशर नहीं हुआ, मेरा हाथ पकड़ के खड़े रहे वहाँ। तो मेरे को जो नशे के टिक्के लगाए गए थे, मेरे को तो इतनी सुध नहीं है, ये मेरे घर वाले मेरे पास थे, बस मेरे को परमात्मा ही परमात्मा दिख रहे थे हॉस्पिटल में।
इतने मेरे को ऊंस नहीं आया, परमात्मा मेरे पास खड़े रहे और कहने लगे घबराना नहीं, मैं तेरे पास ही हूँ। फिर भी मेरा प्रेसम हो गया, मैं ठीक हो गई, मैंने सुमरन नहीं किया। मैंने सोचा भाई ये तो मेरे कर्म का था, जो कर्म में लिखा है वो तो होना ही है। फिर भी मैंने सुमरन नहीं किया। 2 साल तक मैंने नाम लेके ऐसे धक्के खाए, हर बार जाती थी नाम भी लेती थी, वहाँ पर शुद्ध करवा लेती थी नाम, पर मैं सुमरन नहीं करती थी क्योंकि मेरा विश्वास जमे ही नहीं था कहीं भी। तो फिर मेरे को वो ऑपरेशन करवाने के बाद, तो 2-3 वो ऑपरेशन करवाने के बाद डॉक्टर मेरे को देखने के लिए आए डॉक्टर, तो मैं गुरुजियां का नाम लेती, मेरे परमात्मा मेरे रामपाल जी महाराज ने बचा ली, मेरे को इतनी शुद्ध तो थी नहीं। तो वो डॉक्टर बोले कौन है तेरा गुरु, कौन सा गुरु का नाम ले रखा। मैं बोली रामपाल जी महाराज का। कहने लगे वो आसाराम भी तो गुरु था, आसाराम के भी बहुत चेले थे, और पता उसने बैटरियां मार मार के ऐसे टॉर्च के साथ लड़कियों के साथ क्या किया। मैं बोली सभी गुरु एक जैसे नहीं होते, तेरे हाथ में 5 उंगलियां तो ये एक जैसी नहीं है, सब छोटी बड़ी है, कोई अच्छी है कोई माड़ी है, तो परमात्मा के सब बच्चे हैं, कोई कैसा है कोई कैसा, मैं माँ हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, सभी एक जैसे नहीं होते। वो कहने लगा, उसने मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम जो वहाँ डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ था रजनी, तो वो नाम नहीं लिया, मेरा नाम रामपाल जी महाराज रख दिया। मैं 3 दिन रही जिब्बी आंदे टेस्ट करने, और रामपाल जी ठीक हो, मकान जी ठीक है। मैंने सोचा क्या पता परमात्मा का इसी में कुछ इनके दिमाग में बढ़ जाओ, भी रामपाल जी महाराज का नाम लो चाहे बैरत लो चाहे कुछ लो, ये तो परमात्मा की ही मर्जी है जो ये नाम ले रहे हैं। तो सुमरन फिर भी नहीं करूँ थी मैं, तो मेरे को पित्ते में पथरी होगी। फिर पित्ते में पथरी होने के बाद मैंने लाडवा टेस्ट करवाया, तो उसने बताया तेरे को पित्ते में पथरी है। फिर मैं आश्रम में गई, गुरुजी से कहा गुरुजी मेरे पित्ते में पथरी होगी तो मैंने ऑपरेशन करवाया, और मैं कैसे करूँगी, मेरे को तो बहुत दर्द हो है। तो गुरुजी ने कहा सुमरन करती हो, मैं कहा हाँ, कहने लगे नहीं करती। तो लाइन में आशीर्वाद देने आते हैं, लाइन में बहुत सी लेडीज खड़ी थी भगतमतियाँ, तो वे मेरे मुँह कन देखने लगी। मैं बोली करूँ नहीं गुरुजी, मैं बहुत सुमरन करूँ। वो कही कहाँ झूठ बोल रही हो, मेरे सामने झूठ बोल रही हो तो तुम तो बहुत गलत कर रही हो। मैं बोली परमात्मा मैं हाथ जोड़ के खड़ी होगी, परमात्मा ई भी के बार माफ कर दे, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो मैं वो बोले टेस्ट करवा लेना घर जाके। मैंने उसी डॉक्टर पे 10 दिन के बाद टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाई, तो कहने लगे वही डॉक्टर किसने बका दिया आप, मका आपने। मैं कह मैंने, मेरे कोई भी रिपोर्ट गलत नहीं आई आज तक। मैंने कहा आपकी 15 दिन पहले की रिपोर्ट थी नहीं, तो उसमें मेरे को पित्ते में पथरी थी, और अब आप कह रहे हो किसने बका दिए। कहने लगे आपको तो पित्ता ही नहीं है, पथरी तो क्या होगी। मैं कहने लगी मखा फिर आप ऐसे क्यों लोगों को बकाते हो, उनको तो बड़ी टेंशन होती है ना, कोई गरीब है कोई अमीर है कहाँ से पैसा लगाएगा। तो कहने लगे आपको कुछ नहीं है। मैंने वो रिपोर्ट आज तक भी संभाल कर रखी है, उस दिन के बाद मैं परमात्मा का नाम कभी नहीं बोलती। अब मेरे घर में मेरे को कभी दुआई नहीं खानी पड़ती। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी इतने बड़े तो हम भगत नहीं हैं, ना हम इस लायक हैं, वो तो परमात्मा है, वही संदेश दे सका। बस हम तो इतनी रिक्वेस्ट कर सका भी जो परमात्मा है जो मेरी साथ बने है वो किसी और के साथ ना बने, क्योंकि मैंने भी विश्वास तोड़ के अपना जो परमात्मा के साथ भी धोखा किया, मैंने सुमरन किया और उसके नाम की आड़ लेके मैंने इतने दिन धोखे में अपने परिवार को भी रखा, घर वाले को भी रखा। वैसे तो कोई भी कोई बात होनी मैं रामपाल की चेली हूँ, हमारे को कुछ नहीं हो सकता। फिर लोग ये भी कहते हैं रामपाल की चेली है, और कहते हैं भी रामपाल के शिष्य जो है उसको कोई दुख तकलीफ नहीं होती, तेरे को क्यों होता है, कभी कैंसर हो जाती है, कभी तेरे को रिसोई हो जाती है, कभी तेरे को पथरी हो जाती है,
तो इतनी दुआई क्यों खावे। तो मैं उनको भी ये नहीं बताती थी कि मैं सुमरन नहीं करती, परमात्मा का नाम ही लेती। तो नाम की आड़ लेके जो मन ने धोखा करा या कुछ भी लगा लो आप, ऐसा किसी ने करना नहीं चाहिए। जो देवी देवतों की भक्ति करती थी वो तो पूरी श्रद्धा के साथ करती थी मैं, और जो पूर्ण परमात्मा, परमात्मा जो धरती पे आए हुए हैं, मैं उसका नंबर जी भक्ति करने का आया तो मैंने उसके साथ धोखा कर दिया, और जिसने मेरी जिंदगी बचा दी मैंने उसके साथ तो धोखा कर दिया। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं इतनी पूजा पाठ करती थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया ही। मेरे घर में किसी चीज़ की भी कोई शराब मीट मच्छी कुछ भी नहीं खाते। मेरे भाई है, हम दो बहने हैं, एक भाई है, वो शराब पीता, मैं अपने घर भी नहीं जाती। 5 साल हो गए मैंने गुरुजियों से जुड़े हुए संपर्क हो रहा, तो 5 साल हो गए मैं अपने घर नहीं जाती। जैसे आपको कैंसर था, आप बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित थे, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं इस देश में, इस विश्व में, जो तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित है। वो लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तो भी जेल में है। जो लोग मेरे की तरह दुखी हैं, परेशान हैं, और उन्होंने परमात्मा की शरण में आना है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना है, तो जो सत्संग चलता है उसके नीचे लाइनिंग में नंबर आते हैं, उस पे संपर्क करके, और जो अपने जिले का स्थान है, ये नामदान स्थान है जो, वहाँ पर जाके नाम ले सकते हैं। आज आपकी तबीयत कैसी है? मैंने जब से परमात्मा को वचन दिया था कि मैं तेरा सुमरण करूंगी, जो आपने सुमरण दिया, नाम दिया, तो उसके बाद मैंने तो कोई दुआई खाई नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने रिपोर्ट भी करवाई थी, मेरे को कोई बीमारी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।